फूड सेफ्टी के मामले में दक्षिण भारत के दो राज्यों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। केरल सबसे सुरक्षित तो तमिलनाडु खाने के मामले में तीसरे नंबर का सबसे सुरक्षित राज्य है। जहां तक दूसरे नंबर के सुरक्षित राज्यों का सवाल है तो वो है पंजाब। केरल और पंजाब दोनों ही राज्यों में फूड सेफ्टी इंडेक्स के मामले में बड़ा जंप मारा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी पांचवें फूड सेफ्टी इंडेक्स में छत्तीसगढ़, असम, बिहार, झारखंड का प्रदर्शन खराब रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स तय कैसे होता है, इसके मायने क्या है और राज्य और केंद्र सरकार की इसकी बेहतरी में क्या भूमिका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर रिस्क। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी शामिल हो रहे हैं, प्रीति चौधरी, IRS रीजनल डायरेक्टर फसाई मुंबई, HG कोशिया फूड सेफ्टी कमिश्नर गुजरात, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, मंजरी चंद्रा, न्यूट्रिशनिस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और कोशा जी, आपके पास आएंगे सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि जिस फूड सेफ्टी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं या जिस फूड सेफ्टी के पैमाने की हम बात कर रहे हैं, ये आखिर तय कैसे होता है, क्या है इसके मापदंड? जी, फूड सेफ्टी इंडेक्स जो निकालते हैं गवर्नमेंट इंडिया, तो मेरे ख्याल से 4-5 पैरामीटर पे वो फोकस करते हैं। तो बेसिक वो हमारा जो HR है स्टेट के लिए टू टेक द केयर ऑफ द फूड सेफ्टी इन द स्टेट। दूसरा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हमारा लैब का भी आ गया और हमारा एडमिन का भी आ गया। तीसरा है जो ईट राइट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट इंडिया से आते हैं, उसको हम हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट एट द लेवल। इसमें क्लीन सिटी फूड हब की बात है, क्लीन फूड, क्लीन स्ट्रीट वो कैंपस की बात है, या भोग है जो टेंपल का फूड की बात है, तो और स्कूल का भी जो है फूड। तो देर आर मल्टीपल एंगल्स, तो वो सब निकाल के उसको हम कितना वो एजुकेशन करते हैं, कितने नए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आते हैं, कितने ऑटो जनरेट होते हैं, तो देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स, वो सब देख के ये फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाले जाते हैं। एंड ऑल द स्टेट्स आर वेरी इन्फॉर्म करते हैं फूड सेफ्टी अथॉरिटी। इट्स ए वेरी क्लियर गाइडलाइन है, वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, एंड इट इज ए फेडरल कॉम्पिटिशन। सो विद इन द स्टेट वन हैज टू एक्सेल एंड कम आउट एज ए टॉपर इन द फूड सेफ्टी इंडेक्स। प्रीति, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों में ये जागरूकता फैलाना कि इस तरह का कोई इंडेक्स भी है और किस तरह से फसाई जो है इसको मेंटेन करने की भी पूरी कोशिश करता है। क्या कहेंगी आप और किस तरह से फसाई जो है इस पूरी मुहिम में और जागरूकता के लिहाज से भी आगे बढ़ रहा है? चलिए, मेरे ख्याल से प्रीति मेरे साथ नहीं है लेकिन स्वाति मैं आपके पास आऊंगी। तो डॉक्टर स्वाति, बहुत ज़रूरी है लोगों को ये समझाना कि जिस फूड सेफ्टी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो कोशा जी ने काफ़ी हद तक समझाया कि ये कितना ज़रूरी है और किस तरह से सेहत की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होती है इस तरह के मापदंड से, लेकिन क्या इस तरह का इंडेक्स तय करना एक चीज़ होती है और इसको अमल में लाना और इस बात की निगरानी रखना के तमाम चीजों को फॉलो किया जा रहा है, ये एक अलग बात होती है?
कविता जी, देखिए मापदंड अगर हम बनाते हैं और उनका अगर पालन नहीं कर पाते हैं, या जो सिस्टम हम बना रहे हैं उसका पालन अगर नहीं हो रहा है, तो जो हमारा उद्देश्य है वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है और हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए जब हम इसकी बात करते हैं कि फूड सेफ्टी इंडेक्स, यानी कि जो खाना जहां पर उत्पन्न हो रहा है, जहां से उसकी ओरिजिन हो रही है, वहां से लेकर के हमारी टेबल तक या हमारी प्लेट तक वो कितनी स्वच्छता के जो पैमाने उनको पार करता हुआ वहां तक पहुंच रहा है, ताकि जो खाना खा रहा है वो स्वच्छ खाना खाए, उसको उस खाने से तरह तरह की जो बीमारियां हो सकती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसके द्वारा फैलता है। और बहुत चौंकाने की बात है कि जो बच्चों में कुपोषण होता है उसका भी 50% जो कारण है वो खाने की स्वच्छता है, यानी कि खाने की कमी नहीं बल्कि खाने की स्वच्छता एक बहुत बड़ा कारण है जिससे पोषण तक होता है। तो ये एक बहुत ही अहम पहलू है। और अगर भारत की ही बात करें तो भारत में जो साल भर में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उसका एक तिहाई इन्फेक्शन जो है वो खाने या पानी के द्वारा आता है, यानी कि इसकी स्वच्छता हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से बच्चों के लिए और जो साथ में बड़े लोग हैं उनके लिए ऑब्वियसली, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि खाने की स्वच्छता को हम मेंटेन करें। अब देखिए ये जो पूरी श्रृंखला है जहां से खाना बन रहा है और प्लेट तक जब ये पहुंच रहा है, तो तरह तरह के इंटरफेस आते हैं, तरह तरह के लोगों के द्वारा ये जो है पूरी श्रृंखला पूरी होती है। और इसीलिए कई सारे पैमाने बनाए गए हैं कि ना केवल खाने को जो है किस तरह से पकाया जा रहा है, किस टेम्परेचर पर, कितनी देर के लिए, ये भी देखना चाहिए कि क्रॉस कंटेमिनेशन तो नहीं हो रहा, क्या हम पके हुए खाने में कोई कच्चा खाना मिला रहे हैं जिससे सारा खाना खराब हो रहा है, क्या जो खाना खराब हो रहा है उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जा रहा है या नहीं, वो कितने दिन के अंदर कंज्यूम किया जा रहा है या नहीं। साथ ही ये भी देखना कि जो चीजें खराब हो सकती हैं वो उस अवधि के बाद इस्तेमाल तो नहीं हो रही, क्या उन पे कोई डेट्स पड़ी हैं या नहीं पड़ी हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैमाने हैं जिनको देखा जाता है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो खाना जहां से बनकर निकला है वहां से लेकर के जब अंत तक पहुंच रहा है तो स्वच्छ पहुंच रहा है। और इसमें ना केवल हम फल सब्जियों की बातें कर रहे हैं, देखिए पोल्ट्री भी इसमें आता है, और जो हमारे तरह तरह के अनाज और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं, मीट वगैरह भी है, वो सब भी इसी श्रेणी में आता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां इन्फेक्शंस जो हैं वो खास तौर से, चाहे वो बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा हो, वो जो हमारा खाना है उसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है और ये एपिडेमिक के रूप में भी फैल सकता है। वही हमें ये भी समझना जरूरी है कि बॉटुलिनिज्म एक ऐसी बीमारी है जो कि लकवा तक कर सकती है। ये भी खाना जो कैंड खाना होता है, यानी कि खाने को हम किस तरह से प्रिजर्व करके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी इससे फैलता है। और साथ ही तरह तरह के देखिए कंटेमिनेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे केमिकल्स हो सकते हैं खाने में, कभी कभी लोगों को वैसे इंजरीज हो जाती हैं, कोई कांच का टुकड़ा है, कोई मेटल है, तो बहुत सारे ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जिन्हें देखना बहुत जरूरी है कि खाना जहां से निकला वहां से जहां तक पहुंचना है सभी पैमानों पर वो सही और दुरुस्त हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत सारे तरह तरह के इंस्पेक्शंस की जरूरत है, बिल्कुल हमारे ऑफिसर्स की जरूरत है जो कि इस खाने को अलग अलग जो लेवल्स कहाँ पर क्या चीज देख जरूरी है उनको देखा जा सके। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से फूड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। लेकिन कोशिया साहब, इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड का प्रदर्शन जो है वो बेहद खराब रहा है। अब एक तो क्यों खराब रहा इतना ज्यादा, क्या वजह है इसके पीछे, और फिर प्रदर्शन सुधारने के लिए यहाँ पर कितना जरूरी हो गया है कि काम किया जाए, कदम बढ़ाए जाए? तो ये एफएसआई ने, तो जैसे भी मैंने पहले बताया कि एफएसआई ने पहले से उसके फूड सेफ्टी इंडेक्स के मापदंड निकाले हैं, सब स्टेट के साथ शेयर किए हैं। एवरी क्वार्टरली ऑल फूड सेफ्टी कमिश्नर का सेंट्रलाइजेशन कमेटी का दिल्ली में मीटिंग होती है, वहाँ पे भी जो सीओ सर है, चेयरपर्सन सर है, वो सब कमिश्नर को सेंसिटाइज करते हैं, बात करते हैं। तो बेसिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास होना चाहिए, फिर जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है वो भी सही ढंग से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आईसी करने हैं रुको, क्योंकि फूड सेफ्टी फूड फूड कमिश्नर का अकेले का काम नहीं है, इट्स ए जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ए शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो विद इन द स्टेट हर डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को साथ रखकर कैसे काम करना है, जैसे कि आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट को साथ में रखना है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी साथ में रखना है। तो ये सब आप सब साथ में रहकर काम करेंगे और आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही है
और आप सही ढंग से उसका एनफोर्समेंट करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ द फूड स्टेट के अंदर अवेलेबल है उसका भी आप कैसे पीरियडिकली चेकिंग करते हैं, उसका अनसेफ फूड और सब्सटेंडर्ड फूड आप कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो लेबोरेटरी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महत्वपूर्ण है। तो और जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसके ऊपर जो रेगुलर ऑफिसर है, और फूड में जो फूड एनालिस्ट टेस्टिंग करता है, तो ह्यूमन रिसोर्स का भी सही ढंग से होना चाहिए, और एज पर द पॉपुलेशन एज पर द नॉर्म्स आपको काम करते हैं, सैंपल उठता है, टेस्टिंग करते हैं, लाइसेंसिंग करते हैं, ये सब देखते हैं। तो इस जो सब पॉइंट्स है इसके ऊपर जो फूड सेफ्टी कमिश्नर पर्सनली ध्यान दें, टीम को सेंसिटाइज करें, रेगुलर मॉनिटरिंग करें, तो मेरे ख्याल से हमारे सूचकांक जो है इंडेक्स है कोई भी स्टेट का है वो इम्प्रूव हो सकता है। सही कह रहे हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं मंजरी से। मंजरी, अब क्योंकि हमने देखा कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो टॉप के पोजीशंस पर आए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे अगर मैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात करूँ तो ऐसा क्या वहाँ पर लागू किया जा रहा है, ऐसा क्या वहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कि ये पूरी सूची में वो टॉप पर हैं? जी, तो जैसा आप बोल रहे थे कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ये टॉप पर है, कई चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि आई थिंक एक सेंस ऑफ एजुकेशन थोड़ा ज्यादा है। एजुकेशन नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड बट ऑल्सो टू इम्प्लीमेंट, दैट्स वन। सेकेंड इज कि हमारा जो, अगर देखेंगे बेल्ट हिंदुस्तान में इस समय, स्पेशली जब हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि सर्टन एरियाज हैं नॉर्थ इंडिया में जहाँ माल न्यूट्रिशन की मात्रा अब ना सिर्फ बढ़ी हुई है बल्कि क्लासिकली बढ़ी रहती है। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के, या इवन सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पर माल न्यूट्रिशन भी ज्यादा पाया जाता है और जहाँ पर फूड सेफ्टी भी उतनी नहीं है क्योंकि पॉपुलेटेड भी ज्यादा है ये स्टेट्स, और यहाँ पर एजुकेशन की रीच भी कम है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं आई थिंक, एंड लॉजिस्टिकली इट इज मोर चैलेंजिंग टू डू इट इन दीज स्टेट्स वेयर देयर इज लेस रिसोर्स अवेलेबल। तो कई सारी चीजें हैं, तो अगर हम इसको जीरो डाउन करने की कोशिश करें तो पॉपुलेशन, एजुकेशन, इनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें हैं जो ज्यादा प्रोन बना देती हैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया को कि वहाँ फूड सेफ्टी कम है, और साउथ इंडिया और एज यू गो डाउन महाराष्ट्र एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यू विल फाइंड दैट देर इज मोर फूड सेफ्टी। सो एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि जब फूड सेफ्टी की हम बात करते हैं ना, तो उसमें हम सिर्फ एक इन्फेक्शन और हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट में हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ओबिसिटी, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लोगों का शुगर बढ़ गया है, पीसीओडी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये भी जिनको नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं, और जो हमारे खाने पीने और रहन सहन से होती हैं, उन उनमें भी अगर आप देखेंगे तो फूड सेफ्टी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होना चाहिए। मतलब कि जो हम फूड एडमिनिस्टर करें वो सिर्फ हाइजीनिकली और इन्फेक्शस से लोन नहीं हो, बल्कि वो नरिशिंग हो, न्यूट्रिशन हो, उसमें ऐसी चीजें जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मिलिंग, रिफाइनिंग, ये कम हो, जिससे कि न्यूट्रिशनली डेंस फूड हो और जब लोगों को पहुंचे तो उनको इतना न्यूट्रिशन मिले और कम कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स मिले, जिससे कि ये बीमारियों को भी कम किया जा सके। बिकॉज लेटेस्ट सेंसेस आप देखेंगे या लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखेंगे तो देर इज अ स्टैगरिंग राइज, स्टेडी राइज, एन एक्सपोनेंशियल राइज इन दीज कंडीशंस। 20 ईयर्स बैक ऑन अपनी क्लिनिक्स में पीसीओडी वॉज नॉट अ कॉमन केस, बट अब इट्स बिल्कुल एवरी डे वी सी सो मेनी पेशेंट्स। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस भी फूड सेफ्टी का एक कॉम्पोनेंट होता है, बिल्कुल भी आई थिंक एट अ पॉलिसी लेवल जरूर हमें एड्रेस करना बिल्कुल। चाहिए। लेकिन इस बीच फसाई के क्या क्या कदम है, क्या दिशा निर्देश है, किस तरह से उन पर अमल किया जा रहा है, क्या गाइडलाइंस है? प्रीति मेरे साथ जुड़ गई है। प्रीति, आप हैं मेरे साथ? चलिए, प्रीति नहीं है शायद मेरे साथ, लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और क्योंकि मंजरी ने इतनी सारी बातें हाईलाइट की हैं,
और कहीं ना कहीं स्वाति आप भी यही कंसर्न्स भी जता रही थी, लाइफस्टाइल डिजीजेस होना, साथ में आपके पास फूड सेफ्टी के पैमाने और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी ज़रूरत है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, चलिए ये सवाल स्वाति मैं आपसे लेना चाहूँगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, लोग इतने जागरूक हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, अपने एनवायरनमेंट को लेकर, क्यों कहीं ना कहीं यहाँ पर कसर निजी लेवल पर भी छूट रही है? ठीक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, आपको पॉलिसी लेवल पर, पॉलिसी फ्रेमवर्क पर आपको सरकार का इंटरवेंशन चाहिए, राज्य सरकारों की कोशिश है आपको थोड़ी और चाहिए, आपके पर्सनल लेवल पर तो आप कोशिश कर सकते हैं ना, वहाँ पर क्यों चूक हो रही है? बिल्कुल, देखिए ये इसीलिए ये जो गैप है या ये जो कमी देखी जा रही थी कि चाहे बच्चों की बात करें या बड़े लोगों की बात करें, आज भी देखिए कितने लोग हाथ धोकर के खाते हैं या जो खाना बना रहे हैं वो कितने लोग ग्लव्स या मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर बीमार हैं तो क्या तब भी खाने को हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोग सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं, या उनको सही तरीके से पता नहीं है कि कैसे इन चीजों को करना है, इनकी अहमियत क्या है। तो इसीलिए सरकार भी इनके ऊपर बहुत सारा अवेयरनेस के जो कैंपेन्स हैं वो चला रही है, और जैसे अभी फूड स्ट्रीट की बात करी गई है कि वो बनाई जाएंगी जिससे कि एक कोई बेंचमार्क किया जा सके कि क्या पैमाने रहेंगे, कितना कैसे हम ये स्वच्छ खाना लोगों को परोस सकते हैं। तो ये लोगों के लिए भी डेफिनेटली बहुत जरूरी है कि हम उन तक ये बातें पहुंचाएं, उनको जागरूक करें, उनको इस चीज की अहमियत समझाएं। और देखिए जब हम बात करते हैं कि खाना स्वच्छ होना चाहिए, तो तौर से देखिए जो स्कूल के लेवल है वहां पर ये एक बहुत बड़े ड्राइव की तरह से इसका जो है यूज होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी चीजों को अडेप्ट करते हैं, बहुत जल्दी उन चीजों को समझते हैं, और बच्चों में ये जो फूड से होने वाली बीमारियां हैं ये बहुत ज्यादा देखी भी जाती है, क्योंकि बच्चे ज्यादा नाजुक होते हैं, उनमें फूड पॉइजनिंग की बात करें या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की जैसे अभी बात हो रही थी वो भी अब बचपन से जो है शुरू होनी हो जाती है। तो उनकी तरफ भी अगर हम ध्यान दे पाएंगे, अगर हम उस लेवल पर जाकर के इन चीजों को अच्छे से करें, बच्चों को ये चीजें बार बार समझाई जाए, उनको अमल करके दिखाया जाए, जो स्टाफ है वो भी अमल करके दिखाए, और डेफिनेटली देखिए घर जब बच्चा आता है तो अगर वो घर पे उन चीजों को होते नहीं देखेगा तो उसके लिए जो है वो इतनी मायने नहीं रखेगी या वो इतने सीरियसली उन चीजों को नहीं लेगा। तो बड़े लोगों को भी डेफिनेटली हमें ये फॉलो करना है, समझना है। और देखिए बहुत ही मामूली सी बीमारियां जो हम ज्यादातर हर बार देखते हैं और उनसे ग्रसित भी होते हैं, जैसे टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस है या फूड पॉइजनिंग है, इन चीजों को हम बहुत आसानी से बचा सकते हैं, इनसे बच सकते हैं खुद भी, अगर हम खुद ही स्वच्छता का ध्यान रखें, अगर हम खुद ही इस बात का ध्यान रखें कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है, उसमें हमें पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, हम केवल स्वाद के लिए खा रहे हैं या हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि हमारी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। और खास तौर से देखिए इसके जो इंस्पेक्शन पॉइंट्स हैं वो बहुत जरूरी हैं, और वो सरकार ही सुनिश्चित कर सकती है, एजेंसियां ही सुनिश्चित कर सकती हैं कि जो तरह तरह के लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं, चाहे वो खाना ट्रांसपोर्ट करने वाले हों, चाहे उसको स्टोर करने वाले हों, चाहे प्रिजर्व करने वाले हों या परोसने वाले लोग हों, बनाने वाले हों, उन सबके लिए तरह तरह के मापदंड बहुत जरूरी है, उनकी ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है कि उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि जो खाना है वो खराब नहीं हो, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं हो, कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं हो। तो ये एक जो लंबी सी चेन है इसमें जगह जगह हमें ये इंटरवेंशन करने की जरूरत है, और जैसे आपने कहा डेफिनेटली जो एंड पॉइंट है, जो एंड यूजर है, वहां तक तो डेफिनेटली उनको तो इस चीज की जागरूकता फैलानी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्या खाने का आप स्वाद एक बार खाने से पहले चेक कर रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं कि उसका रंग कोई बदल तो नहीं गया है, उसमें से कोई दुर्गंध तो नहीं आ रही है, ये सब चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई बार हम स्टेल फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि जो खराब हो गया है या जो रखा हुआ खाना है जिसको 2 या 4 दिन से ज्यादा रखा हुआ है और फिर भी परोस दिया गया है, तो ये सभी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ना केवल देखिए हमारी सेहत बल्कि खाने की वेस्टेज को कम करता है, हमारे एनवायरनमेंट पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, और जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है वो भी और मजबूत होती है जब हमारा ये पूरा वेस्टेज कम होता है और हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम होता है। और खास तौर से कुछ ऐसी वैक्सीन्स भी हैं जो हमें बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि वो इन बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वैक्सीन तक हमें जाना क्यों है ना स्वाति, वैक्सीन तक हमें जाना क्यों है? मंजरी, आपने कुपोषण का यहाँ पर जिक्र किया, कितनी बड़ी समस्या है, रोजाना हम देखते हैं जब इसके आंकड़े आते हैं तो इसमें इजाफा ही होता है। बिल्कुल,
बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और जो डॉक्टर स्वाति बोल रहे थे, मैं उसी पे थोड़ा सा आपको और कहना चाहूंगी। देखिए, पॉलिसी और गवर्नमेंट की बात तो है ही, वो तो है ही, बट आई थिंक एज अ नेशन ऑल्सो वी हैव टू गेट इन टू अ प्रिवेंटिव मोड। हम समहाउ, क्योंकि हेल्थ केयर इतना अफोर्डेबल है हमारे यहाँ, या हेल्थ केयर को हम पॉपिंग अ पिल या डॉक्टर के पास जाने को हम बड़ी चीज नहीं समझते हैं, तो हम अपनी हेल्थ को काफी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और काफी हम तब तक वेट करते हैं जब तक बीमार नहीं हो जाते। या और माल नरिशमेंट की जहाँ बात कर रहे हैं आप, ये माल नरिशमेंट सिर्फ वो नहीं है कि जिनको खाना नहीं मिला और वो माल नरिश्ड हैं। जो अर्बन अडल्ट हैं जिनके पास इनफ फूड है, वो भी माल नरिश्ड हैं, क्योंकि वो देखने कहने को तो खाना खा रहे हैं, बट वो नरिशिंग फूड नहीं है। पैकेज्ड है, प्रोसेस्ड है, फास्ट फूड है, जंक फूड है। आप जब उसको खाते हैं तो वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू को तो मीट करता है, बट आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, आपके गुड फैट्स, आपके बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता, तो फिर आपका नरिशमेंट नहीं हो रहा है। और जो फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो इतनी रैपिडली हम देख रहे हैं हमारे देश में बढ़ती जा रही है, जो जिसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम और हमारी गवर्नमेंट के पे भी होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी होता है। एज अ यंग नेशन, अगर हम अनहेल्दी यंग नेशन है, तो फिर उस यूथ का भी एक लिमिटेड ही प्रोडक्टिविटी है। तो इंडिविजुअल, जैसा आप बोल रहे थे कि एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, एक इंडिविजुअल कंप्लीट टेकिंग इट अप दैट इट इज योर योर हेल्थ इज आल्सो योर प्रेरोगेटिव एंड इट इज योर ड्यूटी टू बी हेल्दी। हम कहते रहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, बट नॉर्मली हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। फूड इज मेडिसिन, हमें पता है। हम खाना खाते वक्त ये नहीं सोचते कि वो फूड मेडिसिन का काम कर रहा है, हमें बीमारी देकर जाएगा। तो आई थिंक बहुत बहुत एक पॉलिसी लेवल के अलावा एक पूरा, एक अगर हम इसको एक बहुत बड़ा मास कैंपेन बना दें, हर आदमी अपनी हेल्थ को अपने हाथ में ले ले, और इन चीजों को हम इस स्केल पे लो, मतलब हर बेसलाइन पे ले आए, तो फिर कितनी सारी ना सिर्फ डिपेंडेंस ऑन हेल्थ केयर कम होता है, बल्कि प्रोग्नोसिस भी उनका पेशेंट्स का बेटर होता है, लोगों की लाइफस्टाइल्स बेटर होती हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोड ऑफ लिविंग, सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है। एंड इसके लिए द बेस्ट पार्ट इज ज्यादा ना पॉलिसी की जरूरत है, ना ज्यादा इंटरवेंशन की, बिल्कुल सिर्फ एजुकेशन की और एक थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। एब्सोल्युटली। लेकिन लास्ट लेकिन चीज, चैलेंजेस लास्ट के चैलेंजेस के लिहाज से भारत जैसे देश में क्या क्या चुनौतियां हैं? कोशिया जी मेरे साथ हैं, सर क्या जवाब? इंडिया लाइक वी आर बिगर देन यूरोपियन यूनियन, वी हैव मोर देन 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज व्हिच मेक्स द इंडियन यूनियन, एंड एवरी स्टेट लाइक मैं गुजरात की बात करता हूँ, अगेन गुजरात पॉपुलेशन वाइज एरिया वाइज हम देखें तो पॉपुलेशन वाइज वी आर बिगर और इक्विवेलेंट टू फ्रांस, जर्मनी और यूके, तो एक काफ़ी जिम्मेदार रहते हैं। 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन गुजरात में है, तो ये सब की फूड सेफ्टी देखना एक थोड़ा चैलेंजिंग काम है। विद इन द स्टेट तो है ही, बिकॉज और इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी भी है, हर स्टेट का फूड पैटर्न अलग है, वहाँ का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अलग है, वहाँ का सीजनल जो है फ्रूट से फूड है, प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है, और ईटिंग हैबिट्स वो सब अलग है, हर स्टेट का स्पेशल वो फूड का वो इनटेक का भी पैटर्न अलग रहता है, तो ये सब ध्यान में रख के फूड सेफ्टी के लिए एक चैलेंजिंग रहता है। फिर भी एक नया फूड सेफ्टी एक्ट आ गया है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी की रचना हो गई है, एंड अभी जो नए नए रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, एंड उसमें कॉमन मैन का इंटरेस्ट देखते हैं, लोगों के कैसे सलामत फूड मिले, कैसे वो सलामत हाइजीनिक जगह पे खाना खा सके, और स्कूल में बच्चों को भी कैसे हम ट्रेन करें तो फ्यूचर में जो जब नागरिक बन के आए बाहर तो उसमें भी बड़ी अच्छी हैबिट बने, तो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव काम फूड सेफ्टी अथॉरिटी कर रही है, स्टेट लेवल पर उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये चैलेंजिंग है, फिर भी इंडिया इज इमर्जिंग विद इन द ग्लोब डेवलपिंग कंट्री के अंदर, हमारा फूड सेफ्टी एट पार है, काफ़ी डेवलपमेंट के साथ में हमारा फूड सेफ्टी एक्ट भी काम कर रहा है, और कई कंट्री से हम बेटर हम काम कर रहे हैं और परफॉर्मेंस काम कर रहे हैं। ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स निकला है लास्ट 5 साल से, तो हर स्टेट को टॉप पे रहने का हर स्टेट काफ़ी मेहनत करते हैं,
हर स्टेट उसको कॉम्प्लाई करने की कोशिश करते हैं, हर स्टेट उसकी कैपेसिटी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ओवरऑल पूरा इंडिया का ये इम्प्रूव हो रहा है और ये देश के लिए, देश के नागरिक के लिए, और जो हमारा हेल्दी इंडिया का जो मिशन है प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो हम हेल्दी फूड सबको देंगे तो डेफिनेटली वी कैन बी हेल्दी नेशन, एंड हेल्दी नेशन रहेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। और ये चैलेंजिंग है, मगर वो चैलेंज हर स्टेट ले रहे हैं, इंडिया ले रहे हैं, हमारे नागरिक ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से काफी उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल, तो एक तरफ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए काम भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, और वो कमी हो सकता है जागरूकता को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, और कहीं ना कहीं आपकी खुद की जिम्मेदारी को लेकर, जो कि अब वक्त आ गया है कि हम सब इसका संज्ञान लें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।